आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर, डॉक्टरों की बड़ी टीम लगातार कर रही इलाज। मंत्री अनूप प्रधान का बयान, विश्वविद्यालय में विरोध कर रहे छात्रों पर हो कार्रवाई। हमीरपुर में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अपर महाधिवक्ता ने की बैठक, प्रधानाचार्य भी रहे मौजूद। सुल्तानपुर में अंबे दुर्गा माता समिति का 25वां वार्षिक उत्सव समारोह, मां दुर्गा की अष्टधातु की मूर्ति की गई स्थापित। पूर्व पीएम और राष्ट्रपिता की मनाई गई जयंती, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को चेस्ट में कंजेशन होने की तबीयत देर रात खराब होने के बाद दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है और देर रात डॉक्टरों की टीम ने मुलायम सिंह का डायलिसिस भी किया है, लेकिन अभी तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के साथ सपा के कई नेता भी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के स्वस्थ होने की भगवान से कामना कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने फोन पर मुलायम सिंह का हाल जाना है और सीएम योगी ने भी सपा मुखिया अखिलेश यादव से बात कर हाल चाल जाना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती है, वेंटिलेटर पर है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक, साथ ही साथ देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब थी, जिसके चलते उन्हें आपको बताएं कि गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया था। और अभी अगर बात करें तो नेताजी की तबीयत में उसमें पहले से सुधार आया है। बात की जाए तो ऑक्सीजन लेवल में, जो ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था उसमें सुधार आया है, साथ ही उनकी डायलिसिस चल रही है और डॉक्टर पैनल लगातार उनके तबीयत पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बताएं कि इस वक्त अगर बात की जाए तो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो तमाम प्रवक्ता, उनकी तरफ से आग्रह कर कार्यकर्ताओं को रोकने की बात कही गई कि आप अपने घर से दुआ करिए नेताजी के लिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो कार्यकर्ता हैं वो कितनी उनकी जो दुआएं हैं, साथ ही साथ उनके चाहने वालों की दुआएं हैं, वो काम आती है। वहीं आपको बताएं कि 11:30 बजे डॉक्टर पैनल ने पूरी जांच की है और जल्द ही उसकी रिपोर्ट आएगी। अब स्थिति का सही पता बस कुछ ही देर में आएगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय के अंदर माना ये जा रहा है कि मेदांता अस्पताल प्रशासन अपना मेडिकल बुलेटिन जारी करेगा, जिसमें पूरे चीजों को उसमें सम्मिलित रहता है। वहीं आपको बता दें कि पहले से बीपी लेवल को मेंटेन हो चुका है, ये एक राहत की खबर है कि नेताजी का जो स्वास्थ्य है उसमें ऑक्सीजन लेवल में फिर से सुधार होते हुए अब थोड़ी बहुत उनकी जो ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ था उसमें उछाल आया है, तो कहीं ना कहीं राहत की खबर है। और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि अभी अगर बात की जाए तो देश भर के नेता मुलायम सिंह के स्वास्थ्य होने की कामना कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि सूबे के मुख्यमंत्री ने भी फोन करके अखिलेश यादव को जल्द ही अब हालचाल जाना है। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुलायम सिंह के स्वास्थ्य के लिए कामना की है और उनके पुत्र से बात की है। अभी अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन यादव, ये सभी जो समाजवादी कुनबा है, जो समाजवादी परिवार है, उसमें से तमाम लोग, तमाम नेता अपने पिता, अपने भाई के लिए वहाँ मौजूद हैं और देश भर से दुआएं आ रही हैं।
अब बात की जाए तो सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी उन्हें अस्वस्थ होने की सूचना मिलने पर उन्होंने भी उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की बात कही है और दीर्घायु की कामना की है भगवान से। तो आपको बताएं कि धीरे धीरे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं या मुलायम सिंह के चाहने वाले हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह का भारतीय राजनीति में एक बड़ा कद है और एक देखे तो मीसा एक्ट जब आया, जब इंदिरा गांधी के समय में, उस वक्त तो अपनी अलग पहचान बनाने वाले, साथ ही साथ अगर देखे तो चौधरी चरण सिंह के खेमे के ये नेता हैं, तो कहीं ना कहीं इनका राजनीति में अगर अभी अब देखा जाए तो ये काफी सीनियर नेता है, सुपर सीनियर लीडर है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ी है जो राजनीति में या जो तत्काल में है, उनके लिए नेताजी के दिल में कहीं ना कहीं एक विशेष जगह है, जिससे आप देख सकती हैं कि पूरे देश भर से लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। जी जी धन्यवाद भुवंशु तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्रों के द्वारा पीएम मोदी के चित्र को लेकर किए जा रहे विरोध को लेकर कहा कि छात्रों को पीएम मोदी का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि पढ़ना चाहिए। साथ ही कहा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को ऐसे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर कोई विरोध होना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री आज देश का गौरव है और प्रधानमंत्री जी की वजह से देश के अंदर हमारे भारत का नाम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटी है ये केंद्र के पैसे से ही संचालित होती है। तो मैं समझता हूँ जो भी व्यक्ति विशेष या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ ये अपने आप में गलत है और इस तरह का विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी की तस्वीर को लेकर के कोई भी विरोध होना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश के लिए, देश का गौरव है और देश का नाम आज प्रधानमंत्री जी की वजह से पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम है और प्रधानमंत्री जी को पूरा सम्मान हम सब लोग देते हैं और पूरा सम्मान उनको मिलना चाहिए। फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज को लेकर बाहुबली फेम के अभिनेता प्रभास व अभिनेत्री कीर्ति सेनन रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर विराजमान भगवान श्री राम लला का दर्शन कर बहुचर्चित फिल्म का पोस्टर रिलीज कर शुभारंभ किया। इसके साथ आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत और फिल्म के पूरी टीम भी मौजूद रही। वहीं प्रभास की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में फैंस मौजूद रहे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमसे जुड़ेंगे। राघवेंद्र, आदि पुरुष की पूरी टीम रामनगरी अयोध्या पहुंची, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? फिल्म के ये अभिनेता प्रभास थे, अभिनेत्री कीर्ति सेनन थी और अगर बता दें तो ये इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी ओम रावत थे। इनकी पूरी टीम जो है वो पहले अयोध्या पहुंची है, फिर रामनगरी अयोध्या में पहुंच के रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, उसके बाद बता दें 8:30 बजे जो है वो टीजर ही इसका रिलीज किया गया है। जी धन्यवाद राघवेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। हमीरपुर जिले में मुस्करा विकास खंड में अपर महाधिवक्ता ने प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक की, जिसमें बच्चों के शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए किए जाने वाले कामों जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन, ग्रुप डिस्कशन, शिक्षा को प्रोत्साहन, परीक्षा के लिए प्रोत्साहन, नवोदय, विद्या ज्ञान, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति फॉर्म के साथ कई विषयों पर चर्चा की गई। देखिए, जो ये क्षेत्र है मुस्करा ब्लॉक जनपद हमीरपुर का, इस ब्लॉक में एक मुहिम चलाने की चेष्टा की है कि प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें हमारे अध्यापक अपना पूरा समय दे रहे हैं, उस प्राइमरी एजुकेशन को उत्कृष्ट और उसके प्रशिक्षण के पश्चात हमारे जो बच्चे निकलते हैं वो अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिले,
तब आगे के कम्पिटिशनों में उनको अच्छा स्थान मिले, इस दृष्टि से एक पहल शुरू की है। सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा को लेकर चारों तरफ धूम दिखाई पड़ रही है। जगह जगह पर मां की मूर्तियों की स्थापना की गई है और भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां पर अम्बे दुर्गा माता समिति द्वारा इस दुर्गा पूजा में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस बार 25वां वार्षिक उत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। बता दें कि इस बार समिति की तरफ से एक अष्ट धातु की माता जी की प्रतिमा स्थापित कराई गई है। श्री अम्बे माँ सेवा संस्थान का रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अष्टधातु की मूर्ति माता की मंगाई हुई है, जिसका नगर में शोभा यात्रा हम लोगों ने निकाला है। अम्बे दल की हमारी जो पहचान है, प्रत्येक वर्ष हम कुछ नया कार्यक्रम करते रहते हैं, तो इस वर्ष हमारे अम्बे माँ सेवा संस्थान अम्बे दल का 25वां वर्ष सम्पन्न हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने अष्टधातु की माता की मूर्ति मंगाई है और उसका नगर में एक शोभा यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें हमारे अम्बे दल के सदस्य और हमारे शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। सुल्तानपुर की ऐतिहासिक दुर्गा पूजा का कार्यक्रम जो है विधिवत प्रारंभ हो चुका है। आज यहाँ पर अम्बे दल के द्वारा जो अम्बे माता पूजा समिति एक अंग है, उसके द्वारा इस दुर्गा पूजा में विशाल भंडारे का आयोजन होता है। आज इसका 25वां वार्षिक उत्सव भी है। 25 वर्ष से अम्बे दल परिवार जो है अपने सभी संयोजकों के साथ इस मेले में निरंतर भंडारा करके प्रत्येक दिन लोगों को भरपेट भोजन खिलाता है, तरह तरह के व्यंजन परोसता है। आज उसी की एक माता की भव्य झांकी शोभा यात्रा निकलने जा रही है। कासगंज में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष के सक्सेना के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले अतिथियों द्वारा लाल बहादुर शास्त्री के फोटो पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद एक विचार गोष्ठी नोवेल्टी टॉकीज के सामने नवल कुलश्रेष्ठ के प्रतिष्ठा पर की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि आर के सक्सेना एवं डॉक्टर अजय कुलश्रेष्ठ ने भी अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इस दौरान राकेश शरण सक्सेना, भारत लाल सक्सेना, आदर सक्सेना, मुकेश सक्सेना, जिलाध्यक्ष के सक्सेना, प्रधानाचार्य दीपक सक्सेना, अखिलेश सक्सेना मौजूद रहे। शाहजहांपुर की ऐतिहासिक खिरनी बाग स्थित लाला रामचरण लाला धर्मशाला में आयोजित श्री दुर्गा पूजा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नारियल फोड़कर आरती की। इसके बाद उन्होंने दरबार से प्रसाद ग्रहण किया। इस बार दुर्गा पूजा के पंडाल में अयोध्या के श्री राम मंदिर के मॉडल को भी सजाया गया है, जिसमें योगी मोदी की तस्वीर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बता दें इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव और आदर्श विकलांग कल्याण समिति के नीरज वाजपेयी भी मौजूद रहे। सुल्तानपुर में यश कॉन्वेंट स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती समारोह जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान अध्यापकों वीएआरटीओ द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जनपदवासियों को बधाई दी गई। वहीं छात्रों ने इस अवसर पर संस्कृत कार्यक्रमों का में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर एआरटीओ नंद कुमार ने सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में भी जानकारी दी। स्कूल में हमारे विद्यालय में गांधी जयंती और शास्त्री जी की लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई है। इसके माध्यम से हम बच्चों में देश की भावना, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी के राह पे, ईमानदारी के पथ पे अपनी आगे वाली जनरेशन को बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम सत्य और अहिंसा के माध्यम से अपनी जनरेशन को, अपने देश को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। गांधी जी की द्वारा उनकी नैतिक शिक्षा का, शास्त्री जी का जो योगदान रहा है उसके बारे में हमने बच्चों को बताया है, उन्हें गाइड किया है कि इस तरह के कार्यक्रम हम इसलिए करते रहते हैं और आगे भी करेंगे, जिससे हमारा स्कूल, हमारे स्कूल के बच्चे, इवन हमारा समाज
वो ये जाने कि भारत में किस तरह के राजनेता हुए थे, वो आगे हमारे देश को किस तरीके से संभाले थे, और हम उसी पद पे अपने बच्चों को ले जाने के लिए उनको दिन प्रतिदिन एक तरह की सीख दे रहे हैं। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में आज माननीय विधायक जी श्री सीताराम वर्मा जी एवं ARTO सुल्तानपुर जी ने एक सड़क अवेयरनेस प्रोग्राम किया, जिसमें बच्चों को सड़क पे चलने, उठने बैठने और सड़क पर चलने और यातायात के नियमों के अवेयर कराया। गांधी जी सदैव नियम पे चलने वाले, नियम एवं सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति थे, और वहीं शास्त्री जी सिद्धांतगत व्यक्ति थे, जो सिद्धांतों के किसी प्रकार से समझौता नहीं करते थे। उनके जन्म दिवस पर आज माननीय विधायक जी ने एवं माननीय ARTO साहब ने बच्चों को प्रेरित किया, उनके जीवन से सीख लेते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज का प्रोग्राम महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जो विशेष पर्व हैं, जिसके विषय में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके क्रम में हम लोग आज JS इंटर कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के परिसर में उपस्थित होकर बच्चों को, टीचर्स को हम लोगों ने सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया है, और प्रिंसिपल सर ने भी बताया है, हमारे माननीय विधायक जी ने बताया। ये प्रोग्राम सिर्फ आज एक दिन का है, आने वाला समय मुझे लगता है कि अगले वीक से सड़क सुरक्षा वीक या सड़क सुरक्षा माह शुरू होगा। सर, आज हमारे स्कूल में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई है। सर, आज हमारे स्कूल में हमें रोड सुरक्षा के बारे में बताया गया है, सड़क सुरक्षा के बारे में बताया गया है कि हमें रोड पर कैसे चलना चाहिए, और हमें उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो ट्रैफिक हवलदार या फिर हमारे सरकार द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए हैं। सबसे पहले तो सर, हमें हमेशा हेलमेट का यूज़ करना चाहिए जब भी हम बाइक वगैरह चला रहे हैं, चाहे हम रोड के साइड लेन पर चलें और चाहे हम मेन रोड पर चलें, हमें हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ेंगे। आशुतोष, स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, क्या कुछ इसके लिए अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस एक कार्यक्रम स्कूल में रखा गया गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, गांधी जी का नारा था आप चलती रहो मैं अहिंसा को लेकर, हर श्री के जो है नारे को लेकर, वो कल एक मुख्य बातें इसमें ये निकली यातायात से संबंधित को लेकर, जहां पर जो है लगातार इससे पहले भी जो है चाहे मुख्यमंत्री रहे हो या नेता कर रहे हो या यातायात के अधिकारी हो, कोई भी हो, जिससे कि जो है यातायात से संबंधित को लेकर एक स्कूल में आह्वान करना, बच्चों को जानकारी देना, उसी को लेकर सड़क सुरक्षा का एक कल कार्यक्रम रखा गया, जहां पर जो है बच्चों द्वारा इस तरह के कार्यक्रम को लेकर समझाया गया, आप चलती राह को जो है ध्यान दीजिए, अपने फॉलो करिए, उसी रास्ते को लेकर कोई दुर्घटना बड़ी ना हो, उसी को बच्चों को समझाया गया है। जी धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। भदोही के औराई में नारथुआ में दुर्गा पंडाल में आरती के समय लगी भीषण आग में 64 लोग झुलस गए और 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि अब तक 42 लोग झुलसे हुए पीड़ितों को वाराणसी के BHU भेजा गया है और 20 मरीज का शिव प्रसाद गुप्त मंडली हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है, वहीं बाकी के मरीजों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में किया जा रहा है। सुल्तानपुर में यूपी के पिछड़े वर्ग महासभा का सम्मेलन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष ने 4 बिंदुओं पर चर्चा की। बता दें पिछड़े वर्ग के हाई स्कूल व इंटर में पास लड़के व लड़कियों को सम्मानित किया गया और उनका मार्गदर्शन भी किया जाएगा, ताकि पिछड़ा वर्ग मजबूती से खड़ा हो सके, और दूसरे बिंदु पर जो पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति, चाहे वो किसान, डॉक्टर, अधिवक्ता, कलाकार, पत्रकार हो, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ये कार्यक्रम अमेठी जिले के विधायक महाराज प्रजापति के हाथों संपन्न कराया गया। इसके आयोजन में पूर्व विधायक अरुण वर्मा और अनिल प्रजापति भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम 23 अक्टूबर को जिला सभागार में आयोजित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग महासभा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। ये कार्यक्रम हम लोग 12-13 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। मेधावी छात्र छात्राओं जो छात्र छात्राएं हमारे जनपद के हैं, हर वर्ष उनके लिए प्रोत्साहन हेतु हम लोग हर साल करते हैं, इस वर्ष भी हम कर रहे हैं, जिसमें छात्र और छात्राएं जो 70% से ऊपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो, आपका इंटरमीडिएट हो, बीए हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, सब बच्चों को, और जिसमें किसानों के लिए भी है, डॉक्टर के लिए भी है, जो भी सम्मानित हमारे सबको लिया जा रहा है, और जो समाज सेवी हैं उनको भी सम्मानित हम लोग करेंगे। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ेंगे। आशुतोष, पिछड़े वर्ग महासभा का सम्मेलन किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं पिछड़ा वर्ग सम्मेलन ये काफी वर्षों से चलता चला आ रहा है। इनके मुताबिक अगर बात की जाए तो लॉकडाउन के कारण या कोविड के कारण जो बोलते हैं 2-3 साल तक कोई कार्यक्रम इनका नहीं चला है, लेकिन ये छात्रों को सम्मानित को लेकर एक उत्साह वर्धन बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम हर साल करते हुए चले आते हैं। इनका यह भी कहना हो रहा है जिस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, जिस तरह का भी कार्यक्रम होता है उन लोग को हम टैकल हो गया या लैपटॉप हो गया उस चीज को संबंधित को लेकर ये सम्मानित करते हैं। जी धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। अलीगढ़ के रामघाट रोड में नरेंद्र हॉल के सामने एक बाइक चोर को लोगों ने बाइक में चाबी लगाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने चोर के पास से 2 मोटरसाइकिल की चाबी को बरामद करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तरह का मामला कहाँ है? मेरा नाम गौरव गर्ग, नरेंद्र बंगी ढोल में काम चल रहा था मेरा, तो मेरी गाड़ी साइड में खड़ी हुई थी, मैं अपनी गाड़ी देखने गया, मैं सुबह का शाम हो गई गाड़ी देख गया हूँ, तो ये लड़का जो अपना नाम सरफराज बता रहा है ये चाबी लगाते हुए मुझे पकड़ा गया, पब्लिक ने इधर पूछा। चाबी कितनी बरामद हुई है इसमें? चाबी इसमें 2 बरामद हुई है, एक स्प्लेंडर की, एक हीरो होंडा की, आगे में घिसी हुई। लखीमपुर खीरी के थाना नीमगांव क्षेत्र के अमेठी चौराहे पर यूडीआरपी स्कूल के शिक्षक डीके वर्मा पर कक्षा 4 के छात्र रूमान की पिटाई का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक टीचर की पिटाई से बच्चे का हाथ टूट गया था। आनन फानन में छात्र को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां प्लास्टर के बाद छुट्टी कर दी गई। वहीं परिजनों ने स्कूल पहुंचकर प्रबंधक से टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अंग्रेजी की हिंदी ना कर पा रहे हैं के लिए हमारी नहीं, तो किस इतनी बेदर्दी से पिटाई की गई इसके लिए आप किसी ने परिजन ने टीचर से कोई शिकायत वगैरह की है? शिकायत करी नहीं, तो वही वो कहने हैं कि जो कुछ जो चाहे वो कर जाए, पहले से ने चोट इसके लगी रहे। क्या चोट इसके लगी है हाथ में? फ्रैक्चर पहले से कुछ नहीं रहे, नहीं पीटने के बाद में क्या क्या चोटें आई? मढ़ेरा के सर ने मारा है, किस बात को लेकर मारा है आपको? इंग्लिश कर हिंदी कर रहा है, करना करता है। अच्छा, अनुवाद नहीं बना पाए इसलिए पिटाई की है? काहे से मारे हैं, क्या कैसे क्या? फंटी से मारे हैं, बहुत दर्द हुआ होगा। आपने क्या किसी और टीचर से या किसी से बताया कि हमें इतना पीटा गया है, हमारा हाथ फ्रैक्चर है या क्या है? कौन सा विद्यालय है जहाँ पढ़ते हैं? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ेंगे। धीरज, टीचर द्वारा बच्चे को पीटने का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिए, बिल्कुल बता दो, लखीमपुर खीरी के ब्लॉक क्षेत्र का मामला, जहाँ पर अमेठी चौराहे पे एक यूपीआरडी विद्यालय स्थित है, जहाँ पर अमेठी गांव का ही एक लड़का कक्षा 4 में पढ़ता है, वो शनिवार को विद्यालय गया तो वहाँ पर टीचर हैं एक वीरेंद्र जी, उनसे उन्होंने कुछ बच्चे से हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए कहा, जो बच्चा शायद न बना पाया हो, इसकी वजह से उसकी जो पिटाई की, पिटाई से जो बच्चे का जो है एक हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो गया है, जो एक्सरे में आया है। ये इस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया है टीचर से। उसके बाद में जो परिजन विद्यालय पहुंचे हैं, जो प्रबंधक है वहाँ उनसे वार्ता हुई है, तो वार्ता के बाद में जो परिजनों को कोई शांतिपूर्वक बात
बन पाने के कारण परिजनों ने आरोप लगाया है। जी धीरज, इस पूरे मामले पर परिजनों की बात तो सामने आ गई, इस पूरे मामले पर टीचर का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, हमारी प्रबंधक से बात हुई है तो प्रबंधक ने बताया कि हाँ बच्चे की को हो सकता है टीचर ने मारा पीटा हो, लेकिन इस तरीके से बच्चे को नहीं मारा गया था कि बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो जाए। उसी के साथ जो बच्चे आते हैं और उन्हीं के गांव के लोगों के द्वारा जानकारी आ रही है कि इसको जो चोट पहले से लगी हुई थी, इस तरीके से जो है प्रबंधक के द्वारा बताया गया, लेकिन जो बच्चे के परिजन है पिता और माँ का सीधे तौर से आरोप टीचर पर ही लगाया गया कि गंभीर पिटाई के कारण ही बच्चे का जो हाथ फ्रैक्चर हुआ। जी धन्यवाद धीरज तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।